नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शंस रहेंगे। चार ऑप्शंस में जो स्पेलिंग करेक्ट लिखा हुआ रहेगा उसको चूज करना है, या जो स्पेलिंग एरर रहेगा उसको चूज करना है। तो जो बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें जो स्पेलिंग है वो करेक्टली है, करेक्ट है, सही है, सही स्पेलिंग है वर्ड का, उसको चूज करेंगे। उसके बाद में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक सेंटेंस होता है, उसके लिए एक सुटेबल वर्ड का चूज करते हैं हम लोग, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेंगे। सो जितने भी लोग आ रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का। सो गाइज, यहाँ पर फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला जो है, इसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में जो स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, इसका चूज करेंगे। देखिएगा तो यहाँ पर गारंटी 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 देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका। ऑप्शन बी वाला जो आंसर होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिएगा गारंटी का ऑप्शन, देखिएगा ऑप्शन ए वाला, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड में देखिएगा दोस्तों, सेकंड में चार ऑप्शन है। देखिएगा ग्रीफ है, ग्रीप, ग्रीप, ग्रेप। देखिए कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। स्पेलिंग सही जो है वो है ग्रीप। आप लोग देखते जाइए और खुद को चेक कीजिए कि कितना आप लोग यहाँ पर सही कर पा रहे हैं। अपना भी जांच कर सकते हैं, टेस्ट, सेल्फ टेस्ट हो जाएगा आपका। सो यहाँ पर देखिएगा इमिनेंस। देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिएगा यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो है इमेंसे जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाला जो है करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी बाद में एरर है। फोर में देखिएगा केटालोग, केटेलोग, केटल गेव, केटल, केटालोग। सो देखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर है केटालोग का वो ऑप्शन ए वाला है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेलिंग है केटालोग का। देखिएगा पांचवा में सैटेलाइट, सैटेलाइट का देखिएगा सही स्पेलिंग यहाँ पर किसमें है। सही स्पेलिंग है दोस्तों सैटेलाइट का, ये वाला ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, सैटेलाइट। सिक्स में देखिएगा इकोमोंडेशन। देखिएगा सही स्पेलिंग किसमें है, सही स्पेलिंग यहाँ पर बी वाला में है, इकोमोंडेशन। देखिएगा ऑप्शन बी वाला जो स्पेलिंग है बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो है इसमें आपका वर्ड्स पे पकड़ होना चाहिए, जितना आपके पास वर्ड पावर रहेगा तभी इस तरह की क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन सेवन का देखिएगा यहाँ पर एक्सेसिबल कौन सा सही वर्ड है यहाँ पर, सही वर्ड है यहाँ पर देखिएगा एक्सेसिबल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आठ में देखिएगा हाइपोक्रेसी सही यहाँ पर लिखा गया है बी में, हाइपोक्रेसी का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, नाइन में देखेंगे डिसीव। देखिएगा नाइन में कौन वाला राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है डिसीव का, बाकी एरर है। टेन में देखिएगा मिसलेनियस। देखिएगा कौन वाला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, मिसलेनियस का जो सही यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है वो है ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है मिसलेनियस का। इलेवन में यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, जिसमें स्पेलिंग बिल्कुल राइट है वो है ऑप्शन बी। ट्वेल्व का देखेंगे कैंसलेशन,
ट्वेल्व में है कैंसलेशन, कैंसलेशन का राइट स्पेलिंग यहाँ पर है, देखिएगा ट्वेल्व में कैंसलेशन, कैंसलेशन ये वाला जो स्पेलिंग है कैंसलेशन का बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। थर्टीन में देखिएगा न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी देखिएगा कौन वाला यहाँ पर सही स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग आपका बी वाला है न्यूमेरोलॉजी, देखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ह्यूमेरस, फोर्टीन में देखिएगा ह्यूमेरस का यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग किस में है, ऑप्शन सी में है ह्यूमेरस का, एच यू एम आर ओ यू एस ह्यूमेरस। फिफ्टीन में देखिएगा विलन, विलन 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 का यहाँ पर देखिएगा सही स्पेलिंग है फिफ्टीन का वी, वी आई डबल एल ए आई एन विलन। सिक्सटीन में देखेंगे डायरिया, डायरिया डायरिया डायरिया, डायरिया का सही स्पेलिंग देखिए ए बी सी डी किस में है, सो डायरिया का यहाँ पर सही स्पेलिंग है दोस्तों ऑप्शन ए वाला डायरिया, डी आई ए डबल आर एच ओ ई ए। सेवेंटीन में देखेंगे करप्ट, करप्ट का यहाँ पर सही स्पेलिंग किस में है, ए बी सी डी, देखिएगा सेवेंटीन में करप्ट का जो राइट स्पेलिंग है वो डी में है, सी ओ आर यू डबल पी टी करप्ट। एटीन में देखेंगे एटीन का जो सही स्पेलिंग किस में है, ओकेशन 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 मतलब अवसर, देखिएगा ओकेशन का यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों एटीन का वो सी है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ओकेशन। नेक्स्ट देखेंगे नाइनटीन में पैरेलल, पैरेलल में देखिएगा किस में राइट स्पेलिंग है, यहाँ पर पैरेलल का राइट स्पेलिंग सी ऑप्शन होगा, पी ए आर ए डबल एल ई एल पैरेलल। ट्वेंटी में है अवेलेबल, अवेलेबल का यहाँ पर सही स्पेलिंग देखिएगा, सही स्पेलिंग किस में है अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, सो अवेलेबल का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए यहाँ भी वही चीज़ करना है, यहाँ पर क्या करना है जिसमें मिस स्पेल्ड है, ठीक है जिसमें मिस स्पेलिंग है उसको चूज करना है, जो मिस स्पेलिंग है उसको चूज करना है, मिस स्पेल्ड को चूज दिस मिस स्पेल्ड वर्ड, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन में स्पेलिंग गलत लिखा गया है उसको चूज करना है। देखिएगा ऑप्शन ए में पहला का क्या है यर्न, दूसरा का है जेनिथ, सी का है जेस्ट, फिर है डी में विजिलेंस, देखिएगा किसका स्पेलिंग यहाँ पर गलत है उसको चूज करना है, यर्न का स्पेलिंग सही है, जेनिथ का भी सही है, जेस्ट का भी सही है, यहाँ पर विजिलेंस का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कैपेसिटी, सेकंड में देखिएगा कैपेसिटी, क्वेश्चन टू में कैपेसिटी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अबेंडन भी सही लिखा गया है, क्विट भी सही लिखा गया है, यहाँ पर एबडिकेट ये जो है ये बिल्कुल गलत यहाँ पर स्पेलिंग है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं एफिडेविट, फिर है एलिगेरी, फिर है एलिबी, फिर है अस्थेटिक्स अस्थेटिक्स अस्थेटिक्स, सो थ्री में यहाँ पर देखिएगा एफिडेविट का जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, अस्थेटिक का भी करेक्ट है, एलिबी का भी करेक्ट है, यहाँ पर जो मिस एरर है मिस स्पेल्ड है वो है एलर्जी एलेग्री। फोर्थ में देखेंगे किस में यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, देखिएगा फोर्थ का यहाँ पर डी में जो है फ्रैंकिल, फ्रैंकिल का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, बाकी फ्रोस्टी का सही है, स्कॉर्नफुल सेरेने ये सही है, ये वाला बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। फाइव में देखिएगा अबेट, बेल्डर, एलियर, वेनोवेलेंस, देखिएगा यहाँ पर फाइव में जो स्पेलिंग एरर है वो है सी, सी में स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा आपका। सिक्स में चलते हैं, सिक्स में देखिएगा किस में स्पेलिंग एरर है, सिक्स का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसमें स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सेवन में देखिएगा ट्राइबल,
ट्राई फ्लाइज सेट रीजन, देखिएगा कौन सा स्पेलिंग सही है। रीजन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है, सेवन में। सेवन में देखिएगा ट्रिबल भी सही लिखा गया है, ट्रिफ्लीज भी सही लिखा गया है, असेट यहाँ पर गलत स्पेलिंग है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एट में देखेंगे पैथेटिक, प्रोडिगल, सेन, लेबो, लेबोरस। देखिएगा एट में यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है आपका, इसमें लेबोरियस होता है, लेबोरियस होता है, जो कि यहाँ लेबोरस लिखा गया है, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है डी में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिएगा कम्युलेटिव, कॉगेंट, इनिमिकल, माउंटफुल। देखिएगा नाइन में कौन वाला स्पेलिंग इधर है, इसमें बी वाला जो है कम्युलेटिव, इसमें स्पेलिंग इधर है। टेन में देखेंगे, टेन में देखिए किसमें स्पेलिंग इधर है, टेन में ऑप्शन ए वाला स्पेलिंग इधर है, बाकी सही है। इक्विसाइट, कॉन्साइज और डिसिसिव, ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इलेवन में देखिएगा सलेवेसी, सेजोल, एलिजेंट और फास्टेडस। तो इलेवेंथ का यहाँ जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाला मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट देखिएगा एलर्जी, आस्केटिक, एमेलिरेट, एथिस्ट। देखिएगा कौन वाला यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो ट्वेल्व का यहाँ पर सी जो है एथिस्ट, एथिस्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, एथिस्ट में मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डिफर, इल्यूजन, इनिविटेबल, कंटेम्प्टिबल। देखिएगा इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर है। तो थर्टीन का डी जो है कंटेम्प्टिबल, ये वाला में स्पेलिंग एरर है, ये वाला यहाँ पर आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे मिसेंथ्रोपिक, साइनिकल, पैंसिव, ऑब्सोल्यूट। देखिएगा इसमें 14 में जो मिस एरर है, ऑप्शन सी में देखिएगा स्पेलिंग एरर है, ऑब्सोल्यूट यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा गया है। 15 में देखिएगा इमिटेशन, सॉल्वेंट, लोथे, फॉर्चुनेट। देखिएगा 15 में यहाँ पर लोथे जो है यहाँ पर मिस स्पेल्ड है, ठीक है, बाकी फॉर्चुनेट सही है, सॉल्वेंट भी सही है, इमिटेशन भी सही है। चलिए अब यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस रहेगा, उसका एक वर्ड जो कि पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा सेंटेंस को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। वन हु इज़ नेदर इंटेलिजेंट नॉर डुल, देखिए वन हु नेदर इंटेलिजेंट नॉर डुल, इसके जगह पर क्या होगा देखिएगा, इसको बोलेंगे मेड्योर्स। नहीं देखेंगे अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, उसको क्या कहेंगे, पैट्रियट, मेट्रोपॉलिटियन, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटियन। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन। अ मैन हु वेस्टिस मनी ऑन लग्जरी, देखिए ऐसा आदमी जो लग्जरी में अपना मनी वेस्ट करता है उसको क्या कहेंगे, एक्सटेम्पोर, एक्स्ट्रावेजेंट, नेम्फ, सर्ज। देखिएगा यहाँ पर थर्ड का जो आंसर होगा आपका, थर्ड का बी आंसर होगा एक्स्ट्रावेजेंट। वन हु डील्स इन फ्लावर्स,
ऐसा व्यक्ति जो फूलों से डील करता है, देखिएगा क्या बोलेंगे उसको, फार्मर, गार्डनर, स्कल्पचर, फ्लोरिस्ट। फोर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लोरिस्ट, जो फूलों का डील करता है फ्लोरिस्ट कहलाएगा। अ सपोर्टर ऑफ द काउज ऑफ वुमेन, क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट, कलीग, वुमेन इज पावरफुल। सपोर्टर जो महिलाओं को सपोर्ट करता है, देखिए क्या कहलाएगा, कलीग। अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, देखिए ऐसा बुक जिसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन रहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंपेंडियम। सॉरी, अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कहेंगे इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, इनसाइक्लोपीडिया। अ प्लेस वेयर नेदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो, ऐसा जगह जहाँ पर ना कि घास उगता है ना पेड़ उगते हैं, क्या कहेंगे उसको, फर्टाइल रफ, वैरन, हार्ड, तो कहेंगे इसको बैरन। अ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, ऐसा आदमी जो अपने देश का बहुत बड़ा लवर होता है, क्या बोलेंगे, पैट्रियट, चीट, मोरल, आइडियल, तो उसको क्या कहेंगे, पैट्रियट। द डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, देखिएगा इसको क्या कहेंगे, मोनोथिज्म। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कोई एक खास जगह है, खास क्षेत्र है, उसमें जो जानवर हैं उनको क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे फौना। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, क्या कहेंगे, कलेक्शन, सेंसस, गैदरिंग, क्राउड। ऑफिशियली जो काउंट होता है लोगों का देश में, किसी भी देश में, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं सेंसस। अगला है मर्डर ऑफ अ किंग, मर्डर ऑफ अ किंग, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा रेजिसाइड। देखिएगा कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, इसका यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वो होगा पॉलीगेमी, पॉलीगेमी। एन अल्डरली अनमैरिड वीमेन, देखिए क्या बोलते हैं एन अल्डरली, एल्डरली अनमैरिड वीमेन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पिनस्टर। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो रूल करता है विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस, दूसरे कोई का ओपिनियन सुने बिना ही वो रूल करता है, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे ऑटोक्रेट, ऑप्शन बी। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक टैंक जहाँ पानी, फिश या मछली, वाटर प्लांट रखा जाता है, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे एक्वारियम, एक्वारियम बोलेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ऐसा बिल्डिंग जहाँ डेड बॉडीज को रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉडीज रखा जाता है उसको बोलते हैं मोर्टुरी, ऑप्शन डी। एन एसोसिएट इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा, कलीग। जो एसोसिएट रहता है इन अ ऑफिस और इंस्टीट्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, कलीग। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, देखिए ऐसा जगह जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, क्या बोलते हैं बर्ड्स को रखा जाता है, एवियरी।
ऑफ अननोन ऑथरशिप ऑथरशिप ऑफ अननोन ऑथरशिप। देखिएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एनोनिमस एनोनिमस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा आदमी जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीग्लोट पॉलीग्लोट। द वॉयलेशन और प्रोफैनिंग ऑफ सीक्रेट थिंग्स, देखिएगा इसका यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ऑप्शन डी सैक्रिलेज। नेक्स्ट देखेंगे एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पर बी होगा ऑटोप्सी ऑटोस ऑटोसी ऑटोस्पी। वन हु सेक्रीफाइजेज हिज लाइफ फॉर अ काउज, देखिए कोई किसी कारण से अपना पूरा लाइफ को सेक्रीफाइज करता है वो क्या कहलाता है, मार्टिर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर पॉलीएंड्री। नेक्स्ट देखेंगे वन हु इज नॉट इजिली प्लेस्ड बाई एनीथिंग, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा फास्टिडियस। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल, कि कोई पर्सन फॉरेन लैंड आता है सेटल होने के लिए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इमिग्रेंट इमिग्रेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अर्ली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, कोई इवेंट या कोई डेट का अर्ली सेलिब्रेशन क्या कहलाता है, बर्थडे एनिवर्सरी जुबली सेंटेनरी, तो ये कहलाता है आपका एनिवर्सरी। अर्ली से जो सेलिब्रेशन होता है ईयरली, साल में किसको सेलिब्रेट करते हैं, ऑफ अ डेट और एन इवेंट, किसी घटना या तिथि का एनिवर्सरी का ना। चलिए वन हु ईट्स एवरीथिंग, एक ऐसा कोई है जो सभी चीज़ें खाता है उसको क्या कहते हैं, 17 यहाँ पर ओमनीवायरस ओमनीवायरस होता है ना सर्वाहारी। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, एक उपचार सभी बीमारियों के लिए, इसका सिनोनिम सॉरी इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, पैनेसिया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू इसका क्या होगा, ओपेक ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी अपारदर्शी। अ प्लेस फॉर ग्रेन्स अ प्लेस फॉर ग्रेन्स क्या कहेंगे इसको, ग्रेनरी ग्रेनरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर इसी तरह के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले या जो बेस्ट एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते हैं पूरे कंप्लीट सेंटेंस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। साथ ही साथ में हमने स्पेलिंग एरर स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, तो इनका भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो आज तो मैं मैसेज आप लोगों के रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि फ़ोन एक ही है, सिंगल फ़ोन एक फ़ोन डेड है। सो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा डिस्कशन करेंगे, और जो भी पूछना रहेगा आप लोग पूछिएगा, बातचीत तो हम लोग डेली करते ही हैं। ओके सो मिलते हैं हम लोग फिर 7:30 बजे कल के डेट में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, ख्याल रखिए अपना और तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, धन्यवाद।